Today is 23rd of October, and you guys know the drill, what we are about to do. Okay, so we are about to analyze a few key data points, and we are about to analyze what happened yesterday. And let us see what data has to say. जो heaviest put मुझे दिख रहा है या nearest आपको दिखेगा participation put में अगर कहीं पर है तो that is on the 24,000 का level. तो that means based on this data जो पुट राइटर्स है वो लोग बेट कर रहे हैं कि बाजार 24,000 से नीचे नहीं गिरेगा. एंड जो कॉल राइटर्स है उन्होंने मैसिव एडिशंस की है ऑन द एटीएम स्ट्राइक. ओके, तो एटीएम स्ट्राइक्स और एटीएम के आसपास के अगर आप स्ट्राइक्स देखो वहां पर आपको दिखेगा डार्कर ग्रीन पोर्शन जो है वो काफी ज्यादा है. तो दिस इज अगेन सजेस्टिंग कि जो कॉल राइटर्स है वो लोग बेट कर रहे हैं कि बाजार जो है वो नीचे की तरफ गिरता जाएगा. एटलीस्ट जो प्रेशर है बाजार पे वो कॉल राइटर्स का अच्छा खासा बनता हुआ दिख रहा है. मार्केट हैज केप्ट अस रोलिंग. लास्ट थोड़े दिन में हमने काफी कुछ देखा, प्राइसेस में मूवमेंट्स देखे. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट अब मार्केट क्या लगता है, क्या डेटा बोलता है. लेट्स डाइसेक्ट इट. सो एफ आई आई कॉल लॉन्ग प्लस एफ आई आई पुट शॉर्ट, दैट इज योर सिंथेटिक लॉन्ग. सिमिलरली एफ आई आई पुट लॉन्ग वर्सेज एफ आई आई कॉल शॉर्ट, ये दोनों को ऐड कर दोगे आपका सिंथेटिक शॉर्ट बनेगा. एक और चीज ये देखने की है कि जिस हिसाब से मार्केट गिरा है उस हिसाब से जो है वो शॉर्ट्स नहीं आए हैं. एक चीज मैं पूछना चाहूंगा, अभी रिजल्ट सीजन है तो बहुत लोग जाकर आपने जैसा बोला शॉर्ट वॉल ट्रेड्स के पीछे जाते हैं. तो बहुत लोग शॉर्ट वॉल ट्रेड्स का मतलब मैं समझा देता हूँ, इट मींस कि आप जाकर इम्प्लाइड वोलेटिलिटीज को सेल कर रहे हो. तो नॉर्मली लोग उस केस में जाकर आयरन बटरफ्लाईज को एग्जीक्यूट करते हैं बिकॉज वो एक हेज पोजिशन होती है. प्लस जब इम्प्लाइड वोलेटिलिटी गिरती है रिजल्ट आने के बाद तो इट गिव्स यू डिसेंट रिटर्न्स एज़ वेल. तो अभी करंट बाजार में जहां पर बाजार में मोमेंटम बहुत ज्यादा आ रहा है ऊपर नीचे की तरफ, should we go and execute those strategies? या आपके कुछ टिप्स हैं उसके ऊपर? So now, when you're trading results, it's very important कि उसका वॉल कहाँ पे मूव किया है, historically वो कैसे मूव किया. Well guys, that's all for today. We'll meet again tomorrow at 8:45 in the morning. The disclaimer is present on our website. Do like our video, share it with your trader friends and subscribe to our channel. Stay tuned for more market strategies, live trades and option trading. This is me, Roshni Shingre, signing off. Thank you.